हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड मैनुअल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आधार मैनुअल डाउनलोड प्रिंट करना, पैन मैनुअल प्रिंट करना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वोटर मैनुअल प्रिंट करने, वोटर आईडी कार्ड जो मैनुअली आप कैसे टाइप करके, यानी एक डुप्लीकेट, मान लीजिए एक डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड कैसे आप बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वेबसाइट के लिंक आपको भी चाहिए तो किस प्रकार से आपको मिलेगा इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज और जानकारी दे देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हमसे पहले ये वेबसाइट का लिंक लिए, इस पोर्टल का यूज कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको उसको कुछ ऐसे लोग होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ऑनलाइन की दुकान है, मैं इसे बता देना चाहता हूँ कि आप जिसपे से जो भी सर्टिफिकेट बनाइएगा तो उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड मैनुअल है, आप किसी कस्टमर को ऐसे कर रहे हैं तो कस्टमर को समझा देना है कि इसका कहीं और जगह गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एक जैसे बता दो, जैसे इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्या कहते हैं आपको निवास प्रमाण पत्र बनता है, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो निवास प्रमाण पत्र हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है आपको सिर्फ आधार कार्ड बनाने या फिर करेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, बाकी कहीं नहीं देना। बाकी आप कहीं जमा करते हैं या किसी कस्टमर को दे देते हैं, अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी आप मैनुअल बनता है, जैसे निवास आपका मैनुअल बनता है, कास्ट मैनुअल बनता है, इनकम मैनुअल बनता है, यहाँ पे आपका आधार मैनुअल बन रहा है, वोटर मैनुअल बन रहा है, पैन मैनुअल बन रहा है और बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है, तो यहाँ पे आधार के काम के लिए ही मात्र इन मैनुअल सर्टिफिकेट का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड जो है मैनुअली आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे वोटर मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता है, पहला है क्रिएट वोटर और दूसरा है वोटर लिस्ट, यानी जितने आप क्रिएट करेंगे वो आपका वोटर लिस्ट में आएगा, और जो आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट वोटर का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है, यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या डिटेल टाइप करना होगा, यह मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उसी हिसाब से टाइप करना है, उसी हिसाब से आपको फॉर्मेट डालना है, यानी फिलअप करना है। मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी नंबर है और आपका वोटर आईडी कार्ड खो जाता है, और उसी स्थिति में आपको इंस्टेंट मैनुअली आपको वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करना होता है तो भी आप ये इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपको किसी काम में, जैसे आधार कार्ड करेक्शन करना हो और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैनुअली आप इस वोटर आईडी कार्ड को जो है क्रिएट करके आप अपने आधार कार्ड को करेक्शन कर सकते हैं। बट इसका मान लीजिए आपको कहीं देना, पासपोर्ट में देना है, कहीं देना है, तो इस जगह कहीं पर इस वोटर आईडी कार्ड का, चाहे मैनुअली जो भी आप क्रिएट करते हैं इस वेबसाइट से, आपको कहीं इस्तेमाल दूसरे जगह नहीं करना है। अगर इसका इस्तेमाल आप दूसरे जगह करते हैं इसके जिम्मेवार आप होंगे। अगर आप दुकानदार हैं तो किसी भी कस्टमर को इस सलाह दे देंगे इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है ईपी का नंबर, तो मैं यहाँ पे आपको डेमो के तरफ बता रहा हूँ किस प्रकार से काम करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नॉर्मली डेमो की तरफ से टाइप कर देते, ASDFG हो गया, और यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, ये हमारे चलिए मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड का नंबर हो गया। यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड पर डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पर नाम डाल लेता हूँ राजू प्रसाद, कुछ भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में डालना है तो लोकल लैंग्वेज को यहाँ पर खाली छोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लोकल लैंग्वेज वाला जहाँ जहाँ होगा वहां को खाली छोड़ना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फाल मेल है या फीमेल, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको रखना है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए फादर हस्बैंड, मान लीजिए किसी शादीशुदा महिला का बना रहे हैं वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे आप हस्बैंड करेंगे, या किसी पुरुष का यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे फादर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे फादर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है रिलेशन वाला में फादर या हस्बैंड, अगर फादर यहाँ सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे फादर का नाम डालना होगा, अगर यहाँ हस्बैंड सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल लेते हैं, श्याम सिंह, कुछ भी हम नाम यहाँ पर डाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे लोकल लैंग्वेज वाला दिया है भरने के लिए फादर या हस्बैंड ने, यहाँ पे आप खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है वो चीज आपको टाइप कर लेना। चलिए मान लीजिए पुलिस स्टेशन हमारा है डेमो, तो हमने यहाँ पे डेमो टाइप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम, यानी जो भी आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भी इलेक्शन बूथ आता है, जो विधानसभा क्षेत्र आता है, जो भी आपका आता है वो चीज आपको यहाँ पे डालना है। तो हम डाल लेते हैं नंबर 11 और यहाँ पे डैश दे के, यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, डैश दे के हम नाम डाल लेते हैं डेमो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इलेक्शन असेंबली मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में टाइप करने के लिए कर रहा है, तो लोकल लैंग्वेज में आपको खाली छोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लोकल लैंग्वेज को खाली छोड़ा है। अब यहाँ पे तहसील, जो भी आपका तहसील है, चलिए हमारा तहसील है ये सैंपल, तहसील मान लीजिए सैंपल टाइप करिए, कुछ भी आपको टाइप करना, जो भी आपका होगा वो टाइप करिए। मैं यहाँ पे सैंपल बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप उस तरह से फिलअप करना है। यहाँ पे जो भी आपका पाठ नंबर होगा, तो चलिए पाठ नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं 2222 कुछ भी डाल लेते हैं। यहाँ पे पाठ का नाम, जो भी पाठ का नाम होगा तो यहाँ पे डाल लेना, चलिए हम पाठ का नाम डाल लेते हैं डेमो, ठीक है। यहाँ पे पाठ का नाम जो है लोकल लैंग्वेज में करा, तो लोकल लैंग्वेज को आप खाली छोड़ेंगे। यहाँ देखिए सिलेक्ट इमेज, सिलेक्ट इमेज जो दिया गया है, यहाँ पे फोटो जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होता है, जो कि वोटर आईडी कार्ड पे लगा होता है, तो वो फोटो सिलेक्ट करा, तो चूज करके क्लिक करेंगे आपके पास जो भी फोटो होगा। चलिए हमारे पास एक डेमो के तौर पर फोटो है, हमने फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में आप देखिए, अब यहाँ पे जैसे लोकल लैंग्वेज ऑप्शन दिया गया, तो आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा हिंदी मराठी पंजाबी गुजराती जो भी आपका है, तो वो आप लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मान लीजिए हमारा यहाँ पे पंजाबी है, तो हम ये पंजाबी सिलेक्ट करेंगे, गुजराती है तो गुजराती, जो भी होगा आपका वो सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो एक चीज देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए एड्रेस आपका खाली रह गया, तो यहाँ पे अगर आपका एड्रेस फिलअप नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट वाला ऑप्शन रहने देंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा ना, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिर टाइप कर लेना। तो चलिए हम डाल लेते हैं डीईएमओ, डेमो हमारा विलेज हो गया, वार्ड नंबर हो गया हमारा 1 1 2 3 4 कुछ भी हमने डाल दिया। यहाँ पे पोस्ट जो भी आपका होगा वो पोस्ट भी टाइप कर लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस, आप देखिए जैसे मैंने पोस्ट टाइप कर लिया सैंपल, पोस्ट हमारा क्या हो गया सैंपल हो गया। इस तरह से जो भी होगा, स्टेट क्या हो गया, तो स्टेट हमारा मान लीजिए हमारा महाराष्ट्र हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी हो गया आपका वो टाइप कर लेना है। इसके बाद जो आप पिन कोड जो होगा आपका पिन कोड डाल देंगे, मान लीजिए कुछ भी हमारा 8484 कुछ भी हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज को या हिंदी हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए हमारा एड्रेस भी ऑटोमेटिक लोकल लैंग्वेज में हो गया। जहां जहां हमारा देखिए लोकल लैंग्वेज है, वहां पे हमारा लोकल लैंग्वेज आपका यहाँ पे जाता है। लोकल लैंग्वेज को इसी लोग को जो समझने में यहाँ परेशानी होती है कि लोकल लैंग्वेज होती क्या है। मान लीजिए आप जिस भी राज्य से होते हैं, तो उस राज्य में जो भी भाषा है, राष्ट्रभाषा होती है उस राज्य की, तो वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि उस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, मैनुअली जो बात की जाती भाषा है, वो हमारा लोकल लैंग्वेज है। जैसे बिहार में हिंदी हो गया, यूपी में हिंदी हो गया, महाराष्ट्र में मराठी हो जाता है, गुजरात में गुजराती हो जाता है, तमिलनाडु में तमिल होता है ना, इस तरह से जो भी आपका वेस्ट बंगाल में बंगाली होता है, तो वो जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होता है वो चीज आपको सिलेक्ट कर लेना आपका यहाँ से। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा था फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज नॉट अलाउड। ध्यान रहे जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे जेपीजी में अपलोड करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं फोटो का जो हमारा क्वालिटी मतलब जो है यहाँ पे जो फाइल टाइप है फोटो का वो किस टाइप में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा जो है JIFF है। तो आपको इस फोटो अगर आपका जेपीजी में नहीं है तो जेपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जेपीजी में अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं है तो ये भी समझ लीजिए, इसको फोटो पर राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओपन विथ एंड यहाँ पे पेंट में हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइल टाइप जेपीजी दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है जेपीजी में। चलिए हमने जेपीजी में सेव किया, तो यहाँ हमारा चीज आ गया। मैं फिर से आपको यहाँ फिलअप करके बता रहा हूँ, आपको जो भी होगा यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो भी नाम होगा आपका, जो भी यहाँ पे जेंडर होगा, जो भी आपके फादर के हस्बैंड नाम डालना होगा वो चीज आपको डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा ये आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा वो यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका तहसील होगा वो आपको डाल देना है, जो भी आपका पार्ट नंबर वो डाल देना है, पार्ट का जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको जो है इमेज सिलेक्ट करनी है जेपीजी में, तो यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, जो पीजी में जो भी आपका फोटो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे आप टाइप कर देंगे।
अब यहाँ से लोकल लैंग्वेज को हमने सिलेक्ट कर लिया और ये हमारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिए। अब जैसे हम सबमिट पे क्लिक किए तो यहाँ देखिए वोटर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ध्यान रहे मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जो भी आप यहाँ से मैनुअली आप आधार प्रिंट करेंगे, मैनुअली वोटर प्रिंट करेंगे, मैनुअली पैन प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे आपके वॉलेट से ₹5 चार्ज कटेंगे, ये चीज समझिए। हमारा यहाँ क्रिएट हो गया है तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिए गए, एक डिलीट एक्शन में, एक यहाँ पे पीडीएफ, एक डाउनलोड का। तो डायरेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करके भी आप पीडीएफ में इसको आप इजीली सेव कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं पीडीएफ में, या फिर आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके भी इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पीडीएफ ओपन हो रहा है जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, थोड़ा सा क्या करना है वेट कर लेना है कि बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा था, बस क्रॉस कर दिए, करने लगते हैं कि सर हमारा यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा, ये चीज नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा कुछ टाइम डाउनलोड होने में समय लगता है, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो ये बिना समय दिए आपका यहाँ पे काम नहीं होगा। देखिए हमारा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ये आ गया वोटर आईडी पीडीएफ, जो कि ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड आता है न्यू वाला आईडी कार्ड टाइप का, तो सेम उसी टाइप का यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। ऐसा कोई दूसरा पोर्टल नहीं होगा दोस्तों जिसपे इस तरह का वोटर आईडी कार्ड बनेगा। हमने ये वेबसाइट का लिंक दिया है, इस वेबसाइट पर अगर काम करते हैं दोस्तों, अगर आपकी ऑनलाइन की दुकान है तो आप अच्छे खासा अर्निंग कर सकते हैं इस पोर्टल का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है मैनुअली वोटर आईडी कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको इस वेबसाइट का लिंक किस प्रकार से मिलेगा, इस वेबसाइट की आईडी आपको किस प्रकार से मिलेगी। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बना के रखा है, थोड़ा सा फॉर्मेट हम ओपन कर लेते हैं, इसके बाद बता रहे हैं क्या क्या डिटेल आपको सेंड करनी होगी। तो चलिए हमने एक फॉर्मेट बना रखा है, इस फॉर्मेट से हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी डिटेल आपको सेंड करनी है उसी हिसाब से आपको डिटेल आपको सेंड करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको टाइप करना है मैनुअल पोर्टल, सिंपली आपको टाइप करना है मैनुअल पोर्टल। इसके बाद आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है, व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल, इसके बाद स्टेट, यहाँ पे आपका जिला का नाम, और यहाँ पे आईडी चार्ज यहाँ पे ₹200 यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे हमारा स्कैनर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसी क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, अगर आपको यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, उसी व्हाट्सएप नंबर पे इतना डिटेल और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं तो आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा दी जाती है। दोस्तों उम्मीद है तो जानकारी पसंद आए, वीडियो का लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।